माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट होता क्या है, इसकी हमें जरूरत कब पड़ती है, इसे कौन इशू करता है और सीबीएसई के नए रूल के अकॉर्डिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट अब हमें कहां से मिलेगा, इन सारी चीजों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, क्लास 10th और क्लास 12th पास होने के बाद स्कूल बोर्ड द्वारा हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। पहला तो मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, और अगर आप स्कूल चेंज कर रहे हैं क्लास 10th के बाद या फिर क्लास 12th पास किया है तो आपको मिलता है स्कूल द्वारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सारे सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल या स्कूल बोर्ड द्वारा क्लास 10th या 12th पास होने के बाद मिलता है उसकी डिटेल में मैंने चर्चा एक अलग से वीडियो में की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माइग्रेट होना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जब कोई स्टूडेंट क्लास 10th पास करता है और उसे क्लास 11th और 12th उसी स्कूल से करना होता है तो उनको ना ही जरूरत पड़ती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, ना ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, क्योंकि वो अपना स्कूल चेंज नहीं कर रहा है, उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट अगर क्लास 10th के बाद अपना स्कूल चेंज करना चाहता है, किसी और स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसे जरूरत पड़ती है स्कूल द्वारा इशू किया हुआ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट में ये सर्टिफाई किया जाता है कि वो स्टूडेंट उस स्कूल का बोनाफाइड स्टूडेंट रहा है और जिस भी सेशन में बच्चे ने पढ़ाई कंप्लीट की है वो सेशन क्या है और उनकी बाकी डिटेल्स ट्रांसफर सर्टिफिकेट में लिखी होती है। लेकिन अगर क्लास 10th के बाद स्टूडेंट को स्कूल ही नहीं बल्कि स्कूल बोर्ड भी चेंज करना है, मान लीजिए स्टूडेंट ने क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड से पास किया लेकिन आगे क्लास 11th उसे आईसीएसई बोर्ड में नहीं बल्कि सीबीएसई बोर्ड में करना है या फिर स्टेट बोर्ड में करना है या फिर किसी और स्कूल बोर्ड में करना है, तो उसे जरूरत पड़ती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। उसी तरह से जब क्लास 12th पास करते हैं स्टूडेंट तो उनको लेना होता है कॉलेज में एडमिशन, और कॉलेज में एडमिशन के समय आपको मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ साथ कॉलेज माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। इसलिए अगर आप क्लास पास करके अपना स्कूल बोर्ड चेंज करना चाहते हैं या फिर क्लास 12th आपने पास किया है और कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप स्कूल बोर्ड से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना ना भूलें। वैसे तो मार्कशीट के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी स्कूल बोर्ड द्वारा उसकी हार्ड कॉपी स्कूल में भेज दी जाती है और स्कूल द्वारा स्टूडेंट को मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा जो भी अन्य सर्टिफिकेट्स हैं वो स्टूडेंट को सौंप दिए जाते हैं। लेकिन साल 2021 से सीबीएसई ने एक नया रूल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट ने क्लास 10th या क्लास 12th पास किया है तो उनके माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। सीबीएसई के डिजी लॉकर में स्टूडेंट के सारे सर्टिफिकेट्स की सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दी जाती है, वहां पर आपको आपकी माइग्रेशन की सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी और उसी सॉफ्ट कॉपी से आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी स्कूल बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं उस सॉफ्ट कॉपी से ही वेरीफाई करा सकते हैं अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट। लेकिन मान लीजिए अगर कोई कॉलेज या स्कूल बोर्ड आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी मांगता है तो उसके लिए आपको सीबीएसई को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। सीबीएसई को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करेंगे और वहां से अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि पहले होता था, मार्कशीट के साथ साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी दे दी जाती थी, वो अब नहीं दिया जाएगा। अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के हार्ड कॉपी की जरूरत है तो आपको सीबीएसई को अप्लाई करना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी लेने के लिए। ये रूल लागू होगा 2021 से उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th या क्लास 12th को पास करते हैं। सीबीएसई ने यह भी क्लियर किया है कि 2021 से लेकर 2024 तक यही प्रोसेस रहेगा, सॉफ्ट कॉपी अपलोड होगी डिजी लॉकर में और हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप अप्लाई करके ले सकते हैं। लेकिन 2024 के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी स्टूडेंट को नहीं दी जाएगी, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके लिए अवेलेबल होगा सीबीएसई के डिजी लॉकर में। कॉलेज में एडमिशन के टाइम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ती है, इसलिए जब भी आप क्लास 12 के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से तैयार रख लेने चाहिए। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है,
मैं चाहूंगी कि वो वीडियो भी आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।